अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज कुरान एंड बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे कुरान का बायोलॉजी मतलब लाइफ के साथ रिलेशन। अब कुरान ने हमें बेसिकली कुरान की अगर हम आयत सूरत अंबिया पढ़ें तो उन्होंने हमें पहले उस आयत का तर्जमा अगर हम करें इंग्लिश में तो उन्होंने उसमें अल्लाह ताला ने बताया कि हमने इंसान को वाटर से बनाया। अच्छा, वी मेड मैन फ्रॉम वाटर। अब इसमें अल्लाह ताला ने बताया कि उसने इंसान की तख्लीक एनिमल्स की तख्लीक की वाटर से। अगर हम इसकी अगर एग्जांपल लें बेसिक कॉन्सेप्ट से लें तो हमें पता चलता है कि हमारी जो बॉडी में एंजाइम रिएक्शन हो रहे हैं सारे एक्वस सॉल्यूशन में हो रहे हैं। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन की बात करें तो उसमें पता चलता है 60-70% हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो वाटर से है। अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो उसमें हमारा ज़्यादा कंपोजिशन वाटर की है। तो इससे साबित होता है कि बायोलॉजी का कुरान का रिलेशनशिप क्या है। पहली आयत को डिस्कस करते हैं। पहली आयत में बताया वी हैव मेड मैन फ्रॉम वाटर। अब वाटर के जैसे मैंने आपको बताया हमारे सारे केमिकल रिएक्शंस लाइक एंजाइम रिएक्शंस हो रहे हैं, सारी एक्वस सॉल्यूशन में हो रहे हैं। एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट हमारी बॉडी प्रोवाइड करती है इंटरनल टेम्परेचर में, जिसकी मदद से हमारे सारे एक्वस सॉल्यूशन हमारे एंजाइम पर अपने रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। डिफरेंट अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें वो कंपोजिशन हमारी वाटर। अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में 70-75% वाटर की कंपोजिशन है। दूसरी आयत के बारे में हम पढ़े सूरह रहमान, उसमें अल्लाह ताला ने कहा, उसमें कुरान मजीद में आया कि ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक अ पॉटर। अब आप सबको पता है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि जिसका आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया जमे हुए खून से। अब बायोलॉजी में इसकी अगर हम रिलेट करें तो जैसे इंजरी हो गई, आपका कोई कट लग गया बॉडी पे तो आपकी ब्लीडिंग होना शुरू होगी। अब एक ऐसा वक्त आएगा, स्पेसिफिक वक्त आएगा कि आपकी ब्लीडिंग होना ख़त्म हो जाएगी, उसके गिर्द आपका एक खून की लेयर बन जाएगी जिसे हम क्लोटिंग कहते हैं। अब वो क्लोटिंग के आगे वो जमा हुआ खून हो गया। अब जमा हुआ खून अब बॉडी में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो कुरान के रिलेट इसलिए कर रहा है बाली क्योंकि वो जमा हुआ खून हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है विच इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन ये अगर हम कुरान से बायोलॉजी को रिलेट करें, अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम तख्लीक किया जिससे हमारा वो जो जमा हुआ खून है वो बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में। तीसरी सूरह सूरह अल मुमिनून में अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान को कैसे उसके बेसिकली ओरिजिन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया कि हमने इंसान को किस तरह पैदा किया, किस तरह किस फैशन से पैदा किया, किस स्टाइल से पैदा किया, कौन सी लाइफ स्टाइल वो आगे जाके अडेप्ट कर रहा है। तो इसमें अल्लाह ताला ने बेसिक उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। अल्लाह हैथ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, देन सम ऑफ देम क्रीप अप ऑन देयर लाइग्स, अदर वॉक ऑन टू लेग्स एंड अदर फोर्स, अल्लाह क्रिएटेड व्हाट ही प्लीजेस। बेसिकली जो फोर्स हमारी आयत है वो है सूरह नूर में से ली गई है। उसमें अल्लाह ताला ने बताया कि हमने इंसान को वाटर, हमने एनिमल्स को वाटर से क्रिएट किया, जिनमें से कुछ टू लेग्स भी चलते हैं, कुछ फोर लेग्स में पढ़ते हैं। अब स्पेसिफिकली ये बायो में अगर हम इसे रिलेट करें तो ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन और मॉडिफिकेशन को डिफाइन कर रही है कि किस ऑर्गेनिज्म को किस मॉडिफाई करके किस क्लासिफिकेशन में रखा गया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की गई, ये सारा इस आय से हमें बायोलॉजी में रिलेट कर रहा है।